बयान, बच्ची के बोरवेल में गिरने की खबर दुखद है। रेस्क्यू में जुटा है प्रशासन और एनडीआरएफ। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं। मौके पर जा रहे हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। सीएम ने कहा कि मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। मासूम को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बेरवल रीवा जिले के मनिका गांव में एक बालक सूखे बेरवल में खेलते खेलते चला गया। बड़ी दुख की बात है। हमने रेस्क्यू करने के लिए वहां टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होना, गीला होने के कारण से काफी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। मेरे अपने विधायक मित्र सिद्धार्थ तिवारी वहीं मौके पे है। कलेक्टर से मेरी बात हुई, एसपी से बात हुई, सारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। तो देखा आपने, उम्मीद की जा रही कि सभी सफल हों, क्योंकि बारिश का मौसम भी आप सभी को मालूम है और इसकी वजह से थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वजह से पहले भी ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि यहाँ पर थोड़ी ही गड्ढा खोदने पर पानी निकल आता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि थोड़ी ज्यादा मुश्किलों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन सीएम ने साफ कर दिया कि बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विधायक मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। और आप ये देखिए कि रीवा के मनिका गांव में यह पूरा हादसा हुआ है, जहां पर कल शाम 4 बजे बोरवेल में मासूम मयंक गिर गया। जब वो गिरा, उसका दोस्त वहां पर मौजूद था। उसने सुना जब मयंक आवाज लगा रहा था उसको बाहर निकालने के लिए, वो कह रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब सब लोग पहुंचे, उससे बात करने की भरपूर कोशिश करते रहे, और अभी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि मयंक फिलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना ही किसी तरीके की कोई हलचल हो रही है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है। अब खुदाई का काम पूरा किया जा चुका है, टनल बना ली गई है, अब एक पाइप डालकर उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आपको हम बार बार कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि वहां पर किस तरीके से प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रही है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए हैं। हरीश, किस तरीके की स्थिति फिलहाल अभी वहां पर, क्योंकि पूरी टीम मौके पर मौजूद है, मेहनत बहुत की जा रही है, परिणाम कब तक मिलेगा? बिल्कुल रिनू, मेहनत बाकाई बहुत की जा रही है, परिणाम कब तक मिलेगा यह कह पाना अभी संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो टर्नल बनाया गया था, उस सुरंग जो बनाई गई थी, उस सुरंग के अंदर जो पानी आ गया है, तो प्रशासन अब इसको इस बात की चिंता हो गई है कि उस जो पानी को है, तो पानी को बाहर निकाला जा सके। हालांकि उस पानी को बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने पूरी कवायद भी तेज कर दी है। मोटर पंप के जरिए पानी भी बाहर निकाला जा रहा है, और जैसे ही पानी बाहर निकलता है उसके आगे की कार्यवाही भी वहां शुरू कर दी। और सबसे खास बात यह है रिनू कि मौके पर जो क्षेत्रीय विधायक हैं, विधायक से लेकर कलेक्टर, एसपी, तमाम जो प्रशासनिक अमला है, वह भी सुरंग के अंदर हर हद पर निगरानी रखा हुआ है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि स्थिति तो वाकई बहुत गंभीर है। हालांकि थोड़ी देर में यह भी आसार है कि यहाँ इस जगह पर मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी पहुंचने वाले हैं, और उनके साथ साथ यहाँ जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं तो ऑलरेडी मौके पर ही है, और तमाम जो प्रशासनिक महात्मा है वो भी मौके पर है। जी बिल्कुल, आपको रुकना चाहेंगे हरीश। यहाँ पर हमारे साथ पवन पटेल भी जुड़ गए हैं। पवन, मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी हाल में ये जो ऑपरेशन है इसको सफल किया जाएगा और हर कोशिश की जाएगी बच्चे को बचाने के लिए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस घटना पर संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधायक भी मौके पर हैं, एसपी कलेक्टर भी मौके पर हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद भी इस घटना को लेकर बेहद गंभीर हैं। पहले भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी खुले बोरवेल ना हो, खास तौर पर ऐसे बोरवेल जिनमें पानी नहीं है उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यह लापरवाही है, और बार बार जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक व्यवस्था में कमी और आम लोगों की लापरवाही दोनों का परिणाम होता है। फिलहाल ये घटना एक बार फिर जो है लोगों को अवेयर कर रही है, और जहां तक घटना के बाद में एक्शन की बात है तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, अधिकारी मुस्तैद है, जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद है, और बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
और एक बार फिर से सभी से ये निवेदन है कि अगर आपके घर के आसपास या खेत में भी इस तरीके का कोई भी गड्ढा है, बोरवेल का या कोई भी गहरा गड्ढा है, तो उसे आप खुद संजीदा होते हुए भर दीजिए या फिर उस पर कुछ लगा दीजिए, पट्टा लगा दीजिए या फिर उसे भरने की जो भी कोशिशें हो सकती कर लीजिए, क्योंकि उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपके घर के आसपास छोटे मासूम बच्चे खेलते हैं तो जाहिर सी बात है पवन, नुकसान खुद को उठाना पड़ता है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या होंगी वो तो बात की बात हो जाएगी, वो तो देख लिया जाएगा, एक्शन ले लिया जाएगा, जांच हो जाएगी, लेकिन तब क्या, जब एक बड़ा नुकसान हो जाएगा, न जाने कितनी घटनाएं हुई, कितने मासूम बच्चों की जान चली गई, उसके बावजूद सावधानी नहीं। बिल्कुल रिनु, यही बात है कि जागरूक होने की जरूरत है। जागरूकता के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास सभी के अंदर होना चाहिए। घटना होने के बाद प्रशासन और सरकार जो भी करेगी वो तो उसका कर्तव्य बनता है, वो क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं हो ही ना पाए, ये हमारी सतर्कता से ही संभव हो सकता, आम लोगों की सतर्कता से ही संभव होगा, क्योंकि खेतों में बोरिंग छोड़ देते हैं, खुले छोड़ देते हैं, तो कई बार शहरी क्षेत्रों में भी ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही का परिणाम होती है, जिसके लिए बाद में आम जनता शासन और प्रशासन पर दोषारोपण करती है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी को समझना यहाँ बेहद जरूरी। बिल्कुल, खुद की जिम्मेदारी समझिए और आसपास के कोई भी गड्ढे हो तो उसको खुद भरने का काम करिए, ताकि आपके मासूम बच्चे इसकी चपेट में आए ना आए और इस गहरे गड्ढे का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया आपका पवन, हरीश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल रेस्क्यू टीम लगातार मेहनत कर रही है और बच्चे को निकालने की भरसक कोशिश है। जैसे कि आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, उनका कहना है कि हर हाल में मयंक को बचाया जाएगा, पूरी टीम तैनात कर दी गई है, यहां तक कि जो विधायक है वो खुद मौके पर है, कलेक्टर मौके पर है, डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, पानी को निकालने का काम किया जा रहा है। दरअसल यहां पर पानी का लेवल जो है वो काफी ऊपर है और इस वजह से थोड़ा भी गड्ढा होता है तो उसमें पानी आना शुरू हो जाता है। अब चूंकि बारिश का समय भी था, इस वजह से भी पानी भर चुका है, उसे निकालने के बाद ही आगे का काम किया जाएगा।